प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए इंग्लिश का बिल्कुल ही वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बताने वाले। तो देखिए, विषय कोड आपका 113 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं इसका उत्तर आपको जो है ना पीडीएफ के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सेशन जो बी में बोला, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल आप लोगों को 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूँ प्यारे, शाम में 6:30 बजे इसी चैनल पर लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आप लोग चाहते हो 400 या फिर 450 प्लस नंबर लाना, तो हमारे साथ डेली क्लास कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बस वॉल पर प्रेस कर लिए, ताकि जैसे ही क्लास पिकड़ा होगा शाम में 6:30 बजे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला गया कि बताइए जो ना, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्टेड टूडे। दो नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर आस्क मी मिस्टर ग्रीनी टू सेव पेपर एंड जो ना एल्युमिनियम कैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, हाउ डिड गिल्लू जो ना सस्टेंस वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, हाउ वाज इंटरेस्टेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज राधा क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, व्हाट डज द रिच मैन डू टू सेटिस्फाई हिज जो ना वेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट मे जो ना विक्स 1000 memories इन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज चैलेंजिंग द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई वाज द वैंकर अफ्राइड हाउ ऑफ हर्निंग द बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन है, द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर ग्लेशर्स वाज यूनिक एक्सप्लेन। तो इसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, 5 क्वेश्चन जो बनाना है, टेंशन आपको नहीं लेना। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है, आपको 10 प्रश्नों का ही जवाब देना, 5 मार्क्स बोला है, तो आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये बोला, यू आर सुमन, राइट ए स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन टू बी डिलीवर्ड ऑन वर्ल्ड एजुकेशन डे इन अबाउट 16 to 40 words में आपको लिखना होगा। 12 है, यू हैव विजिटेड द न्यू म्यूजियम इन पटना, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 60 to 70 words, यानी कि 70 से 60 वर्ड में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, राइट ए लेटर टू द हेड मिनिस्टर्स फॉर परचेज ऑफ बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी। आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, ये आपसे बोला, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी जो है ना एन ओनी ऑफ फॉलोइंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, दूसरा है लिव एंड लेट लिव, क्वेश्चन नंबर 2 है ए विलेज फेयर, और 4 में जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, और 5 है हेल्दी डाइट। किसी एक पर लिखना है, मैं इसका उत्तर दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। बात कर ले 15 नंबर क्वेश्चन की, हैज द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 to 60 words इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द अपकमिंग इंटर स्कूल स्पोर्ट इवेंट। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। चलिए अब इसका उत्तर हम आपको दिखा देते हैं, एंड पीडीएफ भी डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। तो पहले पीडीएफ ही डाउनलोड करने के लिए इसका हम सिखा देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड आपको करना है। तो इसके लिए आपको गूगल में जाना होगा, गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको सर्च करना होगा, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए कैसे करना है मैं सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जा करके डाउनलोड कर ले। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है ना, आपको सबसे पहले तो अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करना है, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आपको मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के सर्च कर लेना। चलिए फटाफट से हम लोग जो है सर्च कर लेते हैं, है ना। मिथुन स्टडी सर्च करने के बाद आपको जो है
है ना। जैसे कि मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में सर्च करिएगा, इसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास टेंथ का सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास टेंथ लिखा हुआ, क्लास टेंथ यहाँ पर ये रूटीन के लिए देख सकते हो, यहाँ पर रूटीन लिखा हुआ, इस पर नहीं क्लिक करना। इसके जस्ट नीचे वाला देख सकते हो क्लास टेंथ सेप्टेम्बर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट ओरिजिनल फाइल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, ये सेकंड नंबर या दूसरा नंबर पर जो है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना। नीचे आओगे तो आपके सामने जो ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इससे पहले ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन आप क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो ऑल सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस है ना, इसके अलावा मैथ इंग्लिश उर्दू ना नहीं, फिलहाल हम लोगों को इंग्लिश करना नहीं, इंग्लिश के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, पेज वगैरह को रिफ्रेश कर लेना ताकि आंसर की जैसे ही अपलोड होगा ना सब्जेक्टिव का वो आपको दिख जाएगा। देखो अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव आंसर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सब्जेक्टिव आंसर के आप इस लिंक पे सब्जेक्टिव आंसर के लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी मिलेगा आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश करना है, 5 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लघुत्तर क्वेश्चन होगा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला होगा, तो इसका उत्तर पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं उत्तर, उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाएगा द राइटर ऑफ जो है ना अदर पर्सन हाउ कुड नॉट कॉप देयर थिंकिंग पावर विथ द स्पीड ऑफ टूडेज लाइफ आर सो थिंकल्स दे आर हैंडीकैपेटेड बिकॉज मेनी टाइम्स दे फाइंड डिफिकल्टीज इन अर्निंग ए लिविंग द स्लो थिंकल्स आर नॉट अवेलेबल टू कॉप अप विल उसके बाद विथ द डायमंड ऑफ जो ना पेरेंट्स लाइफ। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हमारा हो जाएगा और 2 नंबर का उत्तर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका जो है ना द नरेटर्स आस्क मिस्टर ग्रीनी टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन सो डैट दे मेनी बी रिमेंबर रिमेड फॉर देयर यूज इन फ्यूचर। आगे बढ़ेंगे तो 3 का उत्तर हमारा हो जाएगा, 3 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो उत्तर होगा प्रॉपर देख लीजिएगा, उत्तर होगा गिल्लू जो ना सबटेंस वुड्स ड्यू टू द जो है ना असोल्ट बाय द पेयर ऑफ क्राउच विथ पॉकिंग देयर बिक्स ऑन हीज सॉफ्ट टीनी टू बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखेंगे आप लोग, तो उत्तर होगा मेनी सीनियर एंड रिस्पेक्टेड पोलिटिकल लीडर्स ऑफ बर्मा वेयर इनकरेस्टेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो ये आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 4 ही क्वेश्चन का उत्तर दिए हैं, आप लिख लेना ठीक है। 1 क्वेश्चन का छोड़ दिए हैं, छोड़ने दिए हैं कि है, चलो देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लो, देख लेते हैं छुट्टे का क्या दे देंगे उसका उत्तर, वो डाउनलोड कर लेना वहाँ पर मिल जाएगा है ना। चलो बढ़ते आगे, यहाँ पर 11 का होगा लॉन्ग में ए वेरी, यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन जो पैर, तो देख सकते हो ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट पेरेंट्स इन द जो ना ऑडिटोरियम। आई एम हेयर टू डिलीवर ए स्पीच ऑन गर्ल्स एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी जो ना नर्सरी ऑफ वेरी चाइल्ड वेदर बॉडी बॉय एंड बॉय और गर्ल इट हेल्प ए पर्सन स्टडी न्यू थिंग्स विथ स्किल एंड लर्न अबाउट द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। एजुकेशन प्लेयर्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट। इट आल्सो हेल्प्स टू जो ना प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। एजुकेशन इंकरेज द प्रोबेबिलिटी इन देयर वर्क। इसके आगे और आपका हो जाएगा एन एजुकेटेड वोमेन हैज ए स्कूल इंफॉर्मेशन टैलेंटेड। आगे बढ़ेंगे, वो 11 का हो गया उत्तर, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन है विलेज लाइफ क्वेश्चन, पहले देखते हैं क्या था। हाँ, 14 में आपका विलेज फेयर था, ये 14 का 3 नंबर का उत्तर हम लोग अभी दे रहे हैं, दिखा देते हैं आपको 15 वहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है ना, यहाँ पर देख लो ये आपका हो जाता है विलेज फेयर। तो ये 14 नंबर का जो है ना 3रा का उत्तर, 14 नंबर का 3रा का देख लेना ये विलेज फेयर। तो यहाँ पर आंसर होगा प्यारे बच्चों कि ए विलेज फेयर इज एन एनुअल अफेयर इन विलेज लाइफ। इट जो ना इट इज जनरली हेल्ड इन ए पीसेस प्लेस सूटेड आउटसाइड द विलेज ऑन
द ऑकेशंस ऑफ ए फेस्टिवल ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट इट हैज़ ग्रेट इन्फॉर्मेंस फॉर द लोकल विलेजर्स पीपुल फ्रॉम नियर बाय विलेज विजिट द फेयर वाई फॉर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ शूज इन ए विलेज फेयर विच सेल्स थिंग्स ऑफ डेली यूज ट्वाइस स्वीट्स कॉन्स्टिक्स एंड एग्रीकल्चरल उसके बाद हो जाएगा आपका इक्वायरमेंट है ना इक्वायरमेंट देयर इज ए हग क्राउड टू बाय दीज थिंग्स समटाइम देयर आर जो ना मैजिक एंड द एट्री शूज टू द विलेज फेयर इज वेरी यूजफुल हैज इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू विलेजर्स टू बाय डिफरेंट थिंग्स एंड टू हैव सम उसके बाद हो जाएगा आपका एम्यूसमेंट। तो इस प्रकार से आपका हो गया 11-14 का 3 नंबर का उत्तर। आप 15 नंबर का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। आपको एप्लीकेशन लिखना था इसमें दानापुर पब्लिक स्कूल दानपुर है ना, तो दानापुर आपको क्या करना अपने स्कूल का नाम जो भी है प्रॉपर लिखना है। ये नोटिस आपको लिख देना है, ये डेट काट करके आपको डेट लिखना है, उसके बाद ये सेम लिखना है फ्री पल जो ना प्लेंटिन ड्राइव। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेम लिखना है जैसे कि द इको क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्री प्लेट जो ना प्लांटिंग ड्राइव ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ओवर 500 जो ना 500 न्यू ट्रीज वुड बी प्लांटेड इन द स्कूल कैंपस ऑन हिज डे स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू ब्रिंग सीड्स एंड एस्प्लाइंग्स फॉर मेकिंग दिस ड्राइव ए हग सक्सेस द ड्राइव विल बी उसके बाद हो जाएगा इनगार्डेड बाय द प्रिंसिपल ऑन यहाँ पर आपको डेट काट देना है जैसे कि डेट यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे कि कितना तारीख होगा 25 या 26 सितंबर 2024 आपको लिख देना है ना। उसके बाद यहाँ पर जो डेट टाइम है टाइम जो टाइम पे लिख रहे हो उस टाइम को दे सकते हो है ना, तो टाइम उस चेंज कर सकते हो जो टाइम अभी बदला होगा देख लेना। इन द स्कूल ग्राउंड्स फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर साइंस। तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद आपको जो ना सेक्रेटरी यहाँ पर लिख देना है, डेट वगैरह देना चाहो तो डेट वगैरह यहाँ पर भी आप लोग दे सकते हो, बस इतना लिख देना है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने करवा दिया, आप लोग जाकर के इसका आंसर की वगैरह डाउनलोड करो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास वगैरह आपका समय 6:30 बजे तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो